आपका स्वागत करते हैं बॉलीग्राड के गलियारे में, जहां पर 60 सेकंड में सिर्फ दिलचस्प जानकारी दी जाएगी। क्या रेस 3 बॉक्स ऑफिस पर 2018 की पहली एक्शन फिल्म बागी 2 को टक्कर दे पाएगी? रेस 3 ट्रेलर में सलमान खान बाइक से स्टंट करते नजर आ रहे हैं, गोलियां चलाते नजर आ रहे हैं, तेज कार चलाते दिख रहे हैं और मुक्केबाजी करते नजर आ रहे हैं। अनिल कपूर भी हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और दोनों हाथों में बंदूक लेकर गोलियों की बौछार करते हैं। वहीं जैकलीन पोल डांस कर मादक अदाएं दिखाती हैं, तो अगले ही सीन में एक्शन करती दिख रही हैं। डेजी शाह चाकू चला रही हैं, साकिब सलीम बीच में नहाते हैं और फिर बंदूक उठाते हैं। फिर सामने आते हैं इस फिल्म के असली हीरो बॉबी देओल। अब सवाल ये है कि साल की दूसरी एक्शन फिल्म क्या साल की पहली एक्शन फिल्म बागी 2 को टक्कर दे पाएगी? बागी 2 इस साल ओपनिंग डे पर कमाने वाली सबसे बड़ी फिल्म है। वहीं इस फिल्म के हीरो एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर हैं। बागी 2 ने ओपनिंग डे पर 25 करोड़ रुपए की कमाई की थी। यही वजह है कि रेस 3 और सलमान खान के लिए ये रिकॉर्ड ब्रेक करना उतना आसान नहीं है। आज के लिए बस इतना ही।